नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। आज जहां पर यूपी में सियासत बड़ी तेज़ी से शुरू हो गई है, वहीं पर अयोध्या ज़िले के गोसाईगंज विधानसभा में मौजूद हैं। अयोध्या ज़िला विश्व के मानचित्र में तो है ही, माना ही जाता है। इसके साथ ही यह अयोध्या जनपद में हमेशा राजनीति के क्षेत्र में नज़र डाली जाए तो बाहुबलियों का राज रहता है, या यूँ कहा जाए बाहुबलियों का ज़िला माना जाता है। तो ऐसी ही कड़ी में चुनाव तेज है, 7 चरण में मतदान है, लोग प्रचार में जुटे हुए हैं। अब हम गोसाईगंज विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर सपा से अभय सिंह और भाजपा से निवर्तमान विधायक खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को टिकट इस बार मिला है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, मैदान में हैं, अपने अपने स्तर से प्रचार कर रहे हैं। उसी प्रचार की हकीकत देखने हमारी टीम आज गोसाईगंज विधानसभा के हैदरगंज बाज़ार में मौजूद है। ये एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, सिद्धपीठ है। यहाँ पर आज अभी प्रचार में जन जन से, घर घर से आरती तिवारी संपर्क कर रही हैं। बड़ी बात तो यह है कि आरती तिवारी का छोटा सा बच्चा भी उनके साथ है, और आपको ये भी पता है कि खब्बू जी इस समय जेल में हैं, एक छोटे से मामले में जेल में हैं। और आप फिर भी जो है, यहाँ हमने ये देखा भी है कि बड़े हुजूम के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ पूरा प्रचार कर रही हैं। और इसी बीच हमारे बीच में बहुत से ऐसे यहाँ के स्थानीय मतदाता वोटर्स मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या गणित है, क्या समीकरण है, या किसको आप लोग वोटिंग करने का मन बनाए हैं इस बार। तो चाचा जी आप मौजूद हैं, इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की। काहे, कुछ क्या फ़ायदा है? कुछ सारे फायदे हैं, कुछ बताइए। उन्होंने किसानों को जो है सम्मान निधि दिया, गरीब जनता को जो है राशन दिया और पेंशन बढ़ाया, सारे काम उन्होंने अच्छे किए हैं। महंगाई भी बहुत है। अब की योगी सरकार बनना चाहिए। नहीं, महंगाई बहुत है, इस पर क्या कहना है? महंगाई तो अपने आप, चाहे जो सरकार रहेगी उसमें आएगा, महंगाई रहेगी। हाँ, रहेगी। लेकिन इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी जी की बनेगी, और किसकी बनेगी? यहाँ कौन विधायक बनने जा रहा है? भाई खब्बू तिवारी पत्नी आरती तिवारी। अच्छा, वो अच्छे प्रत्याशी। हाँ, मैं शैलेश यादव हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, खब्बू तिवारी की पत्नी ही बनेगी। अच्छा, वही बनेगी। और आप भाई साहब मौजूद हैं, आप युवा भी हैं, तो युवाओं के लिए क्या ये कुछ सरकार कर रही है? कर रही है, शिक्षा की भर्ती, शिक्षक भर्ती निकाली, पुलिस की भर्ती निकाली, बहुत सी वैकेंसी में पारदर्शिता है, कोई घूस नहीं लगता इसमें। लोग कहते हैं कि भर्ती बहुत निकालती है, होती कोई नहीं। नहीं नहीं, सब हुई है, 69,000 की भर्ती हुई है। अभी तो उसमें कुछ अड़ंगा चल रहा है, कुछ अड़ंगा चला, कोर्ट से संज्ञान में सब निवृत्त हो जाएगा तो हो जाएगा। और योगी जी पारदर्शिता, पहली बात एक घूस नहीं लगता है, युवा बेरोजगार नहीं है, बहुत से विकास किए हैं भाजपा सरकार ने। इस क्षेत्र से विधायक कौन बनने जा रहा है? आरती तिवारी, खब्बू तिवारी। अच्छा, ठीक है। आप बताएं, कुछ बताएं सरकार के बारे में, आप किसको चाहते हैं, किसकी सरकार बन जाए? भाजपा चाहते हैं खब्बू तिवारी बने। आवारा पस खूब घूम रहे हैं। आवारा पस तो कोई सरकार तो छोड़ा नहीं है, छोड़े तो हमेशा हैं। नहीं, हर बार गलती तो हमारी है ना, हम जो छोड़ दिए हैं तो गलती तो हमारी है। आइए आपसे जानते हैं, आपका क्या कहना है सरकार के बारे में, वोट के बारे में? सरकार बहुत बढ़िया चल रही है और चलती रहेगी, इसलिए कि पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था इतनी बढ़िया है। अपने यहाँ तो ठीक है, अयोध्या में कभी इस तरीके का काम हुआ नहीं है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाइए, जहाँ आंखों के सामने भाई बाप बेटे बेटी काट दिए जाते थे, वहाँ चले जाइए। वहाँ की जनता, वो चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, किसी से समुदाय की रही हो, वो चाहती है कि योगी सरकार बनी रहे। और आप लोग भी देखते हैं टीवी पे डिबेट, आप लोगों का जो चैनल है गाँव गली देहात में जाके सर्वे करती, यही सबसे बड़ा सर्वे है। और सभी लोग मोबाइल पे अपने यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देखते होंगे कि पूरे प्रदेश में योगी मोदी जी की सरकार जब बननी थी तो लोग कहते थे मोदी की सरकार नहीं बनेगी, सीटें कमाई थी, 23 सीटें ज़्यादा मिली थी, योगी बाबा की 326, एक सीट अगर कम हो जाएगी तो आप बताइएगा। लोग कहते हैं, लोग अयोध्या में खब्बू तिवारी का जो चेहरा एक बाहुबली के रूप में है, तो ये बाहुबली हैं या नेता हैं या जनसेवक हैं, इस पर? जैसा कि मैंने बोलने से पहले बताया था, मेरा नाम विनोद सिंह है, मैं ठाकुर हूँ। बहुत सारी अफवाह उड़ाई भी जा रही है कि पंडित हैं, प्रताड़ित करते हैं ठाकुरों को, इसलिए मैंने अपना नाम बताया। ऐसा कुछ नहीं है, बाहुबली मेरे लिए कहाँ है, जिनके लिए होंगे उनके लिए है, मेरे लिए कोई नहीं है। जनता के लिए बाहुबली होते तो मार्जिन से जीतते, नहीं जीतते। और इस बार इतना बड़ा उलटफेर होगा कि जितना वोट पाके वो
जीते थे उससे डबल में जीतेंगे वो। चलो 6000 पाए थे लोग ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि विधायक जी के यहाँ जो जाता है तुरंत न्याय मिल जाता है। खब्बू तिवारी के यहाँ ऐसा कुछ है क्या? सुनवाई करते हैं? सही बात, सही बात है, सुनवाई करते हैं लोग, जनता की सुनवाई सुनते हैं, तत्काल करते हैं। और इसमें आरती तिवारी को हम लोग वोट देंगे। भाजपा की सरकार, किसकी सरकार बनेगी? भाजपा सरकार बनेगी, मोदी की सरकार, मोदी की सरकार, योगी की सरकार बनेगी। आप युवा हो भैया, इस बार वोट है? जी वोट है। इस बार वोट किसको दे रहे हैं? भाजपा को। क्या कुछ फायदा है आप? हाँ फायदा बस सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ सरकार दे रही है। अच्छा ठीक है, आप कुछ बताएं क्या भाजपा भैया? एक बार फिर से ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, एक बार फिर से भाजपा शांति, शांति सरकार। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे उत्तर प्रदेश में माँ बहनों बेटियों की सुरक्षा का था और उनकी शिक्षा का था। उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार बनने के बाद जो सबसे बड़ा कदम जो उन्होंने उठाया है बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, पूरा उत्तर प्रदेश आज खुश है, सुरक्षित है। एक बार फिर से भाजपा सरकार निश्चित हो। भाजपा सरकार, भाजपा सरकार, कुछ फायदा मिला आप? जी 1000 आया हमारा, व्यवसायी भी हैं इसमें, व्यापारियों की सुरक्षा है? सुरक्षा, पूरी सुरक्षा है, कभी भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। चाचा जी जी से जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार बनेगी। खब्बू तिवारी, आरती तिवारी विधायक होंगे। अच्छा काम किया है, सबके हित में, सबका विकास। बाइक से भी जानते हैं हमें लगता है भैया, पेट्रोल तो बहुत महंगा है भैया। महंगा है तो महंगाई भी बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ रही है, इससे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। आमदनी भी जिस औसत से महंगाई बढ़ रही है उससे ज़्यादा औसत में आमदनी बढ़ रही है। कभी आप इस सरकार के पहले इतना महंगा पेट्रोल पाए? तो इसके पहले कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा हो रहा, 40 रुपये था, तो तब उस टाइम पर पैसे की भी वैल्यू तो उस हिसाब से कम थी, आबादी नहीं कम थी तब, आबादी नहीं थी। जी धर्मेंद्र कुमार, आपका क्या? जी भाजपा। आपका मतलब सरकार को लेकर के क्या पक्ष है, कुछ आप क्या करना चाहते हैं? जी हम भाजपा सरकार लाना चाहते हैं। आप दादाजी हैं हमारे बीच? हाँ भैया, करुणा कृष्ण पाठक, पाराराम से हैं हम। ये सरकार जैसे चल रही है, इसके सरकार में न कहीं दंगे हुए न फसाद हुए, और महीनों में दो दो बार राशन नमक तक खिला दिया है। और जो लोग नमक खा के वोट नहीं देंगे तो भाई वो तो अलग चीज़ है। पेंशन ऊपर से 350 रुपये, और क्या चाहिए किसानों को? गन्ना मिल, पैसा मिल रहा है। आप इस बाजार में देखें, हमारे बीच में बहुत से ऐसे युवा थे जिन्होंने अपनी बात रखी कि युवाओं को के लिए सरकार, भाजपा सरकार क्या कर रही है और सारी सुविधाएं क्या दे रही है, गरीबों के लिए क्या कर रही है, और इसके साथ ये मतलब वृद्ध लोगों के लिए क्या क्या कर रही है। आप लोगों से जाना देखा, अगले पड़ाव पे फिर मिलते हैं। तब तक दस्तक भारत के साथ बने रहिए। धन्यवाद।